राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा। मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि आपन हृदय बसावा। राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, श्री राम जय राम जय जय राम। आज की श्री राम कथा में रउआ लोग के स्वागत बा। काल भगवान के संस्कार के कथा सुनावल जात रहे। भगवान थोड़ा बड़ा भइनी, साधु संत लोग के झुंड झुंड वहां आ रहल बा। भिक्षाम देही के आवाज लगावता लोग। कौशल्या जी दौड़ के जातनी कुछ भिक्षा देवे। भिक्षा लेला के बाद भी साधु लोग बार बार केवाड़ी में से दरवाजा में से झांक झांक के देखत आलो। तो वहां का पूछा तनी कि बाबा भिक्षा तो मिल गई बकिर काहे ने उन्हें झांका तनी। तो संत लोग कहता देवी हमने साधु संत जन्म जन्म तपस्या करेनी जकरा दर्शन खातिर वह के अवतार भइल बा। दर्शन के अवसर मिलल बा हमने के, वह दर्शन आयल बानी सन करे। भिक्षा हमने के जरूरत नहीं खे। भगवान थोड़ा बड़ होता नहीं तो और दोसर संस्कार वहां के हो रहल बा। गोस्वामी जी वर्णन कैनी गोरु जाए विप्रन पुनिदर्शी ना बहु पाए। विप्रन पुनिदर्शी ना बहु पाए जोड़ा कर्म पर चारियो सुकुमारा जोड़ा कर्म भय कुमार वर्ग जब सब भ्राता। कुमार जब ही सब भ्राता दीन जने संस्कार के बारे में बतावल गए रहे कि हमने के जीवन एगो अज्ञात यात्रा है। केहू का मालूम नहीं थे कि कहां जाए के बा, जीवन के उद्देश्य का है, हमने कहां से आवेनी और कहां चल जानी। धर्म और अध्यात्म के सार यही बा कि हमने का बुझा जाओ कि कहां से आईनी कहां जाए के बा और यहां अइला के उद्देश्य का बा। इतने धर्म के सार
केहू लिखले बा कि आए कहां से और जाना हमें कहां, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। कहां से हमने आवेनी, कहां चल जानी, जीवन अगर यही जा रहित अस्थाई तब तो कोनो बात रहल है, बकिर सब केहू का चल जाए के पड़ेला। ये गो अज्ञात यात्रा बा, ऋषि मुनि लोग सोलह गो ऐसन नाजुक मोड़ जिंदगी के बतैलक, ओकरे के सोलह संस्कार कहल गई। भगवान जी के और संस्कार हो रहल बा, गोस्वामी जी वर्णन कैनी कि चूड़ा कर्म संस्कार भगवान के भइल। चूड़ा कर्म केकरा के कहल जाला? चूड़ा कर्म के अर्थ होला मुंडन संस्कार, मुंडने के चूड़ा कर्म कहल जाला। हर घर में अभी भी संस्कार के परंपरा बाचल बा। जब लइका तनी बड़ होला तो जो गर्भ में से जौन केस ओकरा साथे आइल बा ओकरा के बढ़े दियाला और कोनो तीर्थ स्थान में जाके मुंडन कइल जाला। एकर कई को कारण बा, जाने अनजाने में हमने परंपरा मान के ये संस्कार करेनी, बकिर समझ के यदि एकरा के कइल जाओ तो एकर लाभ बेसी मिली। चूड़ा कर्म में, मुंडन में, तीर्थ स्थान में मुंडन करावे के परंपरा बा। जे धनवान बा बड़ बड़ दूर दूर तीर्थ में जाला अपना लइका के लेके, जेकरा उतना नहीं खे अपना आस पास के कोनो मंदिरे में मुंडन करा देवेला। बकरी को पूजा पाठ के साथ विधि पूर्वक मुंडन कई जाला, ऐसे ये विज्ञान के समझ ली कि आदमी के जीवन में उकरा केस के बड़ा भारी महत्व बा। क्यों तंत्र मंत्र करे वाला भी केस पर तंत्र मंत्र करेला। आजकल विज्ञान में शोध हो रहल बा कि दूर केहू बैठल बा और केस मिल जाओ तो केसों पर दवाई डालल जाओ तो ओकरा पर प्रभाव पड़े लगेला। आदमी मर जाला, शरीर के सब अंग नष्ट हो जाला, बकर केस नष्ट ना होला, मुहलों का बाद केस बढ़त रहेला। बहुत दिन तक ये क्रम चलेला। केस के ऐसन महिमा बा कि रउआ जहां ढेर बार जाई तो लोग कहे लागेला कि तहार टीके जा गाड़ल बा कि घूम फिर के आ जाता रह। टीको एगो केसे के भाग है, कहेला लोग की चोटी तहार टीक यहां गाड़ दिया इल बा। और साधु संत सन्यासी लोग जानता ये रहस्य के कि जब गुरु जी का लगे रउआ जानी सन्यास लेवे खातिर तो गुरु जी रा और चोटी टीक काट के अपना लगे राख लेवे। पूजा पाठ में, ध्यान भजन में, सन्यास परंपरा में केस कटला के का जरूरत बा? बकिर केस काट के रख लिया ला, बुझली कि जोन परंपरा बा कि टीक जहां गाड़ल रही ओजा आदमी घूम फिर के जइबे करेला, तो जरूर हमनी के संत ऋषि मुनि सोचले होई लोग कि तीर्थ स्थान में मुंडन करावल जाओ, केस ओजा गिरी तो लइका भूली भटकी कुछ भी होई तो कभी ना कभी तीर्थ स्थान में आईबे करी तो ओकर जीवन संवर जाई, सुधर जाई। आई एगो छोट विराम लिया था, फिर एक कथा आगे चलत रही। श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम कथा, श्री राम, जय राम, जय जय राम। मुंडन के महिमा बतावल जात रहल हा। ये एगो कलम लगावे जैसन भी विद्या बा। जे खेती किसानी करेला वो जानता कि जौन पौधा छोट फल देवेला ओकरा के कोनो बड़ फल देवाला के साथ कलम लगा दियाला, और कलम लगला के बाद वो छोट फल देवेला पौधा बड़ बड़ फल देवे लागेला। ठीक ऐसे ही जोना जीव के संस्कार छोट बा, जोना के संस्कार उतना श्रेष्ठ निमन नहीं खे, यदि ओकरो मुंडन तीर्थ स्थान में कइल जाता तो तीर्थ स्थान में ऋषि मुनि लोग के वास होला, देवी देवता लोग वहां रहेला, संत महात्मा ज्ञानी
वहां कठिन तपस्या करके ऊर्जा भरेला लो और वहां गिला के बाद एगो साधारण संस्कार वाली आत्मा भी श्रेष्ठ संस्कार से भर जाली और मुंडन भइला के बाद वही साधारण आदमी एक दिन महापुरुष बन जाला। ये कलम लगावे वाला प्रक्रिया है, जीवन के कलम लगावल जाला। जैसे ही तनी बड़ भइल लोग चारों भाई तो विद्यारम्भ संस्कार भइल, वेदारम्भ संस्कार भइल, भय कुमार जब ही सब भ्राता दिव्य जनेऊ गुरुपितु माता, जनेऊ संस्कार भइल, दीक्षा संस्कार भइल। विद्यारम्भ संस्कार में विद्या जब प्रारंभ कई जाला, आज संसार में मान लिया इल्बा कि पढ़ाई के मतलब है अक्षर ज्ञान, पढ़ाई के अर्थ ही बदल दिया इल्बा। हमने यहाँ पढ़ाई पहले पूजा पाठ होत रहे, सरस्वती माता के पूजन कई जात रहे, विद्या के साधन जोनबा किताब कॉपी ओकरो पूजा कई जात रहे। तब विद्यारम्भ होके पहला बार जब विद्यार्थी पढ़े जाए तो वह एगो संस्कार होत रहे। आज सब परंपरा बदल गई, हमने का अपनी मूल संस्कृति में पहुंचे के परी। आज हर केहू टेंशन में तनाव में बा, दुखी बा, कहे कि जीवन में ज्ञान के अभाव बा। पढ़ाई हो जाता, डॉक्टरी पढ़ लिया था, पीएचडी हो जाता, बकर जीवन जिए नहीं खियावत। समाज में देखी, जहां देखी वही जा कलह बा। केहू पड़ोसी से लड़ता तो केहू मेहरारू से लड़ता, केहू भाई भाई में लड़त बा, गांव में लड़ाई हो रहल बा, देश देश में लड़ाई हो रहल बा। मनुष्य जीवन मिलल बकर जिए के तरीका ना आए। तो लोग कहला कि पढ़ लिख लिया ही तो जिए के तरीका आ जाए। जब खाली जोन पढ़ैया पढ़ावल जाता, यही पढ़ाई से पढ़े के जिए के तरीका आ जाए तो आज केहू पढ़ल लिखल के घर में तलाक ना हो, केहू पढ़ल लिखल के घर में ऐसा तकरार और झगड़ा ना हुई। बाकी गांव के लोग जे गरीब बा अनपढ़ बा ओकरा घर में तो तनी सुख शांति बा, बाकी जे जितना पढ़ ले बा उतने ओकरा घर में लड़ाई बा, ओकरा घर में उतने अशांति बा। पढ़ाई के तरीका गलत हो गया, नौकरी पढ़े लागल लोग, व्यापार पढ़े लागल लोग, बाकी पढ़ाई के मतलब रहे जीवन पढ़े के। स्वामी विवेकानंद कहत रही कि जब तहरा लगे ज्ञान होई तो ये ज्ञान होके के चाही कि हमरा पड़ोसी से व्यवहार कैसे करे के बा, हमरा समाज में व्यवहार कैसे करे के बा, घर में व्यवहार कैसे करे के बा, माई बाप गुरुजन से व्यवहार कैसे करे के बा। इहो सब ना आई तो कोना बात के ज्ञानी और पढ़ल लिखल वाला। पढ़ाई खाली अक्षर ज्ञान हो गई, लोग खुश हो जाता, हमार लड़का इंजीनियरिंग पढ़ता, हमार लड़का एमबीए पढ़ता, हमार लड़का डॉक्टर पढ़ता। डॉक्टरी पढ़ ले वो चाहे कुछ वो पढ़ ले, वो लड़का लड़का नहीं खेरहत, आदमी आदमी नहीं खेरहत। आदमी के फितरत बदल गई, आदमी के स्वभाव बदल गई, शरीर आदमी के रहल बकिर सब जानवर वाला हो गई। संस्कार के बाद बुझली के पिछला जन्म में का रहे ओकरा संस्कार से बुझा जाए। दूगो बच्चा अलग अलग बाड़ा सन तो ओकनी के एगो बच्चा के देखे किनारी में गिर जाई, कीचड़ लग जाई, पांख लग जाई तो रोए लागी कि माई आके उठा ले, ओकरा के धो दे, वो साफ कर दे, तब लड़का खुश हो जाता। और दूसर लड़का पांख में पड़ल बा, पांख को खाता लपेटता, बुझली की गंदा संस्कार के बच्चा बाई। बड़ भइला पर संस्कार चिन्हे खातिर कि पिछला जन्म में के का रहे, ये देख के व्यवहार से बुझा जाई कि केहू एकदम ऐसन चलाक लोमड़ी जैसन बात बुझ ली कि पिछला जन्म में लोमड़ी हुई। अब बहुत गुर्राता, बहुत खिसियाता, बुझ ली कि ये कोनो जानवर रहला, कोनो शेर रहला, ये आदमी ना रहला। केहू खिसिया के अपन बड़ाई करेला कि का कहीं हमार तो स्वभाव, हम खिसिया जानी, ये राउर स्वभाव हो, ये रौरा आदमी वाला स्वभाव ना हो। शरीर आदमी के मिल गई बार वह आदमी नहीं की, जौन जानवर रहनी पिछला जन्म में उहे वाला आ गई बा। क्यों हमरा से कहलक कि बाबा
जब आत्मा उतने बा तो यह हतना ये आदमी कैसे बढ़ जाता। जब भगवान सृष्टि बनैनी तो उतने आत्मा बनैले होके तो जनसंख्या इतना बढ़ गई, करोड़ करोड़ हो गई, 30 करोड़ जनसंख्या रहे तो ये कैसे इतना जनसंख्या बढ़ गई। तो हम उनका बतैनी कि ध्यान से देखी ये जितना जंगल कट गई, जानवर सब आदमी में आ गई लसन, जंगल कट गई जितना सियार बिलाई कुकुर लसन सब आदमी बन गई लसन, तो के व्यवहार आदमी जैसा छोड़े रही। एगो विराम छोट लिया था, कथा आगे चलत रही। श्री राम जय राम जय जय राम कथा सुन राम कथा श्री राम जय राम जय जय राम। संस्कार आदमी के व्यवहार के पहचान करावेला कि रवा आदमी वानी कि कुछ और वानी। हमने ना मानेनी विकासवाद के, विदेशी लोग कहला कि पहले एक कोशिका के जीव भइल, फिर ओकरा बाद कोशिका बढ़े लागल, फिर रेंगे वाला जीव भइल, ओकरा बाद चले वाला चौपाया जीव भइल, फिर ओकरा बाद घोड़ा भइल, घोड़ा पत्ता खाए खातिर ऊपर गर्दन कैलक तो जिराफ बन गइल, फिर बानर भइल, बनमानुष भइल, फिर आदमी हो गइल। बाकी हमनी के संस्कृति में इना मानन जाला कि हमने बंदर के संतान ही, बंदर के औलाद ही। कहे कहे कि जब विकासवाद ऐसन बा कि जोना अंग के उपयोग ज्यादा कर लेला वो बढ़ जाला, और जोना के उपयोग कम कर लेला वो नष्ट हो जाला। तो घोड़ा से जिराफ हो गई तो घोड़ा काहे बाँच गई, जिराफ बाँच के चाहिए। जिराफ से बानर हो गई, बनमानुष हो गई तो बानर काहे बाँच गई। जब विकास से हो गई तो वो काहे ओकर विकास ना भई, वो नष्ट हो जाए के चाहिए, आप बाँचे के चाहिए बानर। और बानर से जब आदमी हो गए नहीं तो एको को बानर ना बाँचे के चाहिए, आदमी बाँचे के चाहिए। बाकी हमनी के संस्कृति के मान्यता ई बा कि सब जीव के रचना भगवान जी अपना अपना रूप में कैले बने, विकास चेतना के होला और चेतना से परमात्मा तक के यात्रा होला। रामधारी सिंह दिनकर एगो कविता में 2 लाइन लिखनी कि मान ली तनी देर खातिर की विकास सही बा, तो का विकास भइल बा, बानर से आदमी हो गई नी। तो लिखनी वहां का कि झड़ गई पूंछ नख दंत झड़े पशुतम का झरना बाकी है, झड़ गई पूंछ नख दंत झड़े पशुतम का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन समर गया अंदर तम संवरना बाकी। कि नोह झर गई पूंछ झर गई बानर से आदमी बन गई नी, बाहर बाहर सुंदर हो गई नी, बाकी भीतर के जानवर अभी ले नहीं खे गई, भीतर बनरा बैठ ले बा। संस्कार से आदमी के चिंतन चरित्र व्यवहार बदलेला। पढ़ाई आदमी के जिंदगी संवारे खातिर होला, खाली नौकरी करे खातिर ना होला। पढ़ाई नौकरी करे खातिर आज हो रहल बा, नौकरी कर ले पैसों कमा ले तो पैसा कहे खातिर, घर बनावे खातिर, भोजन करे खातिर, कपड़ा किने खातिर, बकर जिए कैसे जिए खातिर ज्ञान चाहिए। और वो शिक्षा के वो विद्या के आज समाज में अभाव बा। विद्यारंभ संस्कार में ये सब बात संस्कार के रूप में डालल जात रहे। आज एगो बात बुझ ली, शिक्षा विद्या दू गो बात बा, कहे खातिर दोनों एक जैसन लागेला। शिक्षा देवे वाला के शिक्षक कहल जाला और विद्या देवे वाला के गुरु कहल जाला। विद्या शिक्षा में बहुत फर्क नहीं खे, लेकिन एकरा के हम तनी फर्क करता नहीं कि आज समाज में खाली शिक्षा शिक्षा बाचल बा, विद्या के एकदम अभाव हो गई बा। कहल जात रहे कि विद्या ददाति विनयम्, विद्या से विनय आवेला, सरलता आवेला, समर्पण आवेला, और जे सरल होला वो बहुत दिन टिकेला, जे झुकेला वे टिकेला। केहू लिखले बा कि झुकते वे है जिनके अंदर कुछ जान होती है, अकड़कड़ खड़ा रहना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। कि वे झुकेला जकरा अंदर कुछ जान होला, मुर्दा कभी झुकी, मुर्दा के कितनो झुकाए तो ना झुकी गिरिए जाई, अच्छा है टाइट ठाड़ा रही। तूफान आंधी नदी में आ जाए
तो वो पौधा लोग टिकल रहेला, जे वो तूफान में झुक जाला, फिर तूफान पानी चल जाए तो ठाड़ा हो जाला। तो झुके के सरलता के विनय के कारक विद्या, शिक्षा अक्षर ज्ञान देवेला, पदार्थ के बारे में बतावेला कि कौना चीज से का बनी, जहाज कैसे बनी, पंखा कैसे बनी, कौना चीज के शोध कैसे हुई, ये निमन चीज है, जाने के चाहिए, सीखे के चाहिए। केहू हमरा से कहलक कि बाबा अमेरिका बड़ा धमकावत रहेला सब केहू के, चाइना के ना धमकावेला। तो हम कहने ये कहे हो तो चाइना से डराला कहे तो चाइना के लगे ढेर कुछ बा का, तो ना चाइना के लगे ढेर नहीं, क्यों लगे परमाणु बा, तो भारतों का लगे परमाणु बा, तो अमेरिका भारत से काहे ना डराला, तो ऐसे ना डराला कि भारत के लोग ढेर बुद्धिमान बा, तो चाइना के बुद्धिमान ने के बोले उतनी खिसकल बड़ा सन, वो हमेशा धमकावत रहे सन अमेरिका के कि हमरा लगे इतना नहीं थे कि तारा से लड़ सकी, बाकी इतना बा कि हम अपने में फोड़ ले, अपने में परमाणु फोड़ ले, 10-20 को देश ऐसे ही चल जाए। तो इन्हें मत तकिया, हम तो जैबे करे 10-20 को लेके जाए। तो बनावे वाला तकनीक शिक्षा है, ओकर उपयोग कहाँ कइल जाए, ओकर नाम विद्या। हमने कह सकतनी कि विज्ञान शिक्षा है और अध्यात्म विद्या है। एक बार शिक्षा विद्या के समन में होके के चाहिए। आज की कथा यही जा विराम ली, फिर एक बारे में काल सुनावल जाई। कोनो मन में प्रश्न जिज्ञासा होको तो जरूर पूछी और समाधान कइल जाई। भगवान नाम के महिमा बहुत बड़ बा, आई हमनी के साथ रहो लोग भगवान नाम के कीर्तन करी। भजल राम के नाम भई तहर जिंदगी सवर जाई, भजल राम के नाम भई तहर जिंदगी सवर जाई, हरि बोल तहर जिंदगी सवर जाई, तहर जिंदगी सवर जाई, तहर जिंदगी सवर जाई, तहर जिंदगी सवर जाई, भजल राम के नाम भई तहर जिंदगी सवर जाई, भजल राम के नाम भई तोहर जिंदगी सवर जाई, भजल राम के नाम भई तोहर जिंदगी सवर जाई, तोहर जिंदगी सवर जाई, तोहर जिंदगी सवर जाई।